नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल AGNI-6 के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, AGNI-6 अग्नि सीरीज का ही एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, 2012 के AGNI-5 के टेस्ट के बाद डॉक्टर वी के सारस्वत जी ने ये बताया था कि अभी इंडिया का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो अग्नि सीरीज के मिसाइल्स पे किसी तरह की कोई पाबंदी लगाए। और एक और स्टेटमेंट में जो कि उन्होंने 2013 में दिया था, और उनका मानना यह था कि इंडिया के ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है जियोपॉलिटिकल इस प्रोग्राम को बंद करने के लिए। तो AGNI-6 का निर्माण करना ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद इस पे कोई भी ऑफिशियल वर्ड नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में AGNI-6 को लेके एक अपडेट आ रहा है। पहले हम बात कर लेते हैं AGNI-6 है क्या। तो आपको बता दूं, AGNI-6 एक 4-स्टेज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि कैपेबल होगा मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट रीएंट्री व्हीकल को लॉन्च करने में, मतलब मिर्व को लॉन्च करने में, और उसके साथ साथ अपने 4th स्टेज की हेल्प से मनूवरिंग रीएंट्री व्हीकल को लॉन्च करने में भी सक्षम होगा। आपको बता दूं, इस मिसाइल की रेंज तकरीबन 8,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर तक की होने वाली है। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये मिसाइल तकरीबन 10 मिर्व अपने साथ कैरी कर सकता है। और जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मिर्व वो टेक्नोलॉजी होती है कि जब वो किसी कंट्री पर अटैक कर रही होती है तो वो ऊपर से गिरते वक्त डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती है, और जिसकी वजह से ऐसे मिर्व कैपेबल मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और DRDO के लिटरेचर से आ रहे अपडेट की माने तो इस AGNI-6 को और भी हल्का बनाने के लिए लो अलॉय स्टील का यूज किया जाएगा, जबकि इससे पहले मैगनिंग स्टील का यूज हो रहा था इसके बूस्टर फेज के फैब्रिकेशन के लिए। अब जान लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। तो ये मिसाइल कहीं ना कहीं 5,500 से लेके 70,000 किलोग्राम के बीच में होने वाला है इसका मास। और इसके लेंथ 20 मीटर से लेके 35 मीटर के बीच में होने वाला है। डायमीटर होगा तकरीबन 7 फीट का। और इसकी स्पीड तकरीबन Mach 20 तक की होगी सी लेवल पे। अब बात करते हैं गाइडेंस सिस्टम की। तो ये यूज करने जा रहा है अपने गाइडेंस सिस्टम में इनर्शियल इंटीग्रेशन नेविगेशन सिस्टम, और ये यूज करने जा रहा है KA बैंड बेस्ड सीकर टेक्नोलॉजी का। अब बात कर लेते हैं AGNI-6 की तरफ से आ रहे अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, AGNI-6 का जो निर्माण है वो तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है। जैसा कि हमने आप सबको पहले बताया है कि ये एक 4-स्टेज का मिसाइल होने जा रहा है, जिसमें से तकरीबन 3 स्टेज होंगे सॉलिड प्रोपेलेंट के, और उसमें एक स्टेज जो होगा जिसे 4th स्टेज बताया जा रहा है वो हो रहा है पोस्ट बूस्ट कंट्रोल सिस्टम का। जिसका मतलब यह है इसमें डिफरेंट तरह के कंट्रोल सिस्टम दिए जा रहे हैं 4th स्टेज में, और अभी इसी स्टेज का निर्माण चल रहा है। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली 2020 के मिड या फिर 2020 के एंड तक AGNI-6 का भी परीक्षण देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसी AGNI-6 का ही एक सी वेरियंट है जो कि SLBM है, उसका परीक्षण आपको 2019 में ही एंड तक देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं AGNI-6 के लैंड वेरियंट में कितने स्टेजेज हैं और वो कैसे काम करेंगे। और यार इसके लिए मेरे को ऐसा मत बोलना कि कोई टेक्नोलॉजी रिवील कर रहा है, सीक्रेट रिवील कर रहा है, क्योंकि ये बहुत कॉमन इन्फॉर्मेशन हैं। जितने भी डिफेंस टेक गीक होते हैं उनको ये पता होती हैं। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं। तो AGNI-6 ICBM का बूस्ट सिस्टम है, उसमें 4 में से 3 जो रॉकेट स्टेज होंगे वो सॉलिड प्रोपेलेंट बेस्ड होंगे, जो कि एक दूसरे के ऊपर सक्सेसिवली माउंट किए गए होंगे। और इनकी जो बर्निंग होगी वो सबसे पहले 1st स्टेज का होगा, फिर 2nd, 3rd, उसके बाद प्रोग्रेसिव होगा। और इन सभी स्टेज के प्रोपल्शन सिस्टम को कंट्रोल किया जाएगा नोजल से, जो कि हेल्प करेगा मिसाइल को गाइड करने में अपने फ्लाइट पाथ के दौरान। और आपको बता दूं, इन सभी स्टेजेस में लगे मोटर्स के जो केसिंग होगी उसे स्पेशली बनाया जा रहा है केवलर एपॉक्सी मटेरियल से, जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट को पकड़ के रखेगा। जैसा कि हमने अपने SFDR के वीडियो में बात की हुई है कि सॉलिड प्रोपेलेंट को किस तरह से मटेरियल में कास्ट करते हैं और एक लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं कि वो केस को ना जला दे, इसलिए यहाँ पे उस चीज़ के लिए केवलर एपॉक्सी मटेरियल यूज किया जा रहा है। और इसका जो 4th स्टेज है जिस पर अभी काम चल रहा है फाइनल स्टेज, वो एक लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम का यूज करेगा, जो कि एक बाय प्रोपेलेंट रॉकेट सिस्टम है। और ये मिसाइल गाइडेंस के लिए वेलोसिटी और एल्टीट्यूड करेक्शन प्रोवाइड करता रहता है टाइम दर टाइम। और इसी पोस्ट बूस्ट व्हीकल में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम दिया जाएगा, जो कि इसको अलाउ करेगा बिना किसी गाइडेंस के, जो कि ग्राउंड से आ रहा होगा, उसके बिना भी टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम होगा। और वो गाइडेंस सिस्टम इसी स्टेज में डाला जाता है जो कि इस फ्लाइट के दौरान कमांड प्रोवाइड करता रहता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो इस मिसाइल का ब्रेन ये गाइडेंस सिस्टम है। तो बेसिकली ये पोस्ट बूस्ट कंट्रोल सिस्टम जिसका निर्माण अभी चल रहा है वो बने होते हैं मनूवरिंग रॉकेट गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ, और इसमें साथ ही साथ लगा होता है एक नोजल जो कि एक्सियल थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। और इस 4th स्टेज के बाद ही आपको जितने भी आपके रीएंट्री टारगेट्स होते हैं वो प्लेस किए गए होते हैं, मतलब जो मिर्व टारगेट हैं वो इसी 4th स्टेज के बाद रखे गए होते हैं। सो ये एक बार जब ये मिसाइल्स अपनी पर्याप्त ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि इस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद ये अपने जो तय की गई रेंज है वहां पे जाके टारगेट्स को गिरा सकते हैं, तब जाके सारे मिर्व टारगेट ग्राउंड की तरफ आते वक्त सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, और फिर किसी भी लैंड या फिर कंट्री पर अटैक करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये AGNI-6 मिसाइल अपने प्रीवियस सभी AGNI मिसाइल से
काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट एंड प्रिसाइजली अपने टारगेट को हिट करने वाला है, क्योंकि इसमें स्पेशली दिया गया है फोर्थ स्टेज और उसमें भी नोजल के थ्रू एक्सियल थ्रस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है मिसाइल के गाइडेंस के लिए। ये के बैंड की किरणों का भी यूज करेगा अपने सिकर टेक्नोलॉजी में, जिसकी वजह से इसकी जो प्रिसीजन वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। वैसे तो इंडिया का ऐसा कोई एनिमी नहीं है जो कि इतने लंबे रेंज में आता हो, लेकिन फिर भी एक अपने पास कैपेबिलिटी होना भी काफ़ी आवश्यक है। सो अग्नि-6 के अपडेट को लेकर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।